हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे 8वें अध्याय के भगवद गीता के प्रवचन माला में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तवि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे पिछले सत्र में हमने भगवद गीता के 8वें अध्याय की चर्चा प्रारंभ की है। हमने 7वां अध्याय पूर्ण किया और उसके पश्चात 8वें अध्याय की ओर अग्रसर हुए थे। तो पिछली बार हमने जो देखा था उसका हम लोग छोटा सा रिकैप देखेंगे। जिन स्लाइड्स में रिवीजन का यह ठप्पा लगा हुआ है वो पिछले बार हमने कवर किया हुआ है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वो अवलोकन, दो प्रकार के अवलोकन वैदिक अध्ययन में बताए जाते हैं। एक होता है सिंह अवलोकन और दूसरा होता है विहंग अवलोकन। सिंह अवलोकन का अर्थ होता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे, थोड़ा आगे देखना, थोड़ा पीछे देखना, आगे पीछे देखते देखते आगे बढ़ना, यह है सिंहावलोकन। तो इसी प्रकार से श्लोकों को भी हम लोग उसी प्रकार से देखते हैं कि इस श्लोक के बाद अगला श्लोक क्यों भगवान कहे, या ये प्रश्न अर्जुन के मन में क्यों उपस्थित हुआ। जैसे श्रृंखलाओं के साथ हम लोग देखते जाते हैं वो सिंहावलोकन है। और दूसरा होता है विहंग अवलोकन। विहंग कहते हैं पक्षी को। तो जब पंछी उड़ता है तो वो जब ऊपर से देखता है, बर्ड्स आई व्यू जिसे कहते हैं, तो पंछी जब ऊपर से देखता है तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है ऊपर से। तो इसी प्रकार से जब हम ये 8वां अध्याय, इसको हम लोग ऊपरी दृष्टिकोण से पहले देखे और इसके पश्चात हम लोग संपूर्ण एक एक श्लोकों के साथ देखेंगे और आखिर में पुनः एक बार संपूर्ण सारे श्लोकों को एक साथ विहंग अवलोकन के साथ देखेंगे। तो श्लोकों के दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें तो इसमें जो है वो इस अध्याय में 28 श्लोक है। उसमें श्लोक संख्या 9, 10, 11 जो है वो उपजाति छंद की है। श्लोक संख्या 28 जो है वो इंद्रवज्रा छंद में है। और बचे हुए सारे श्लोक जो 24 श्लोक है संपूर्ण, वो अनुष्टुप छंद में है। तो ये छंद के दृष्टिकोण से इस अध्याय का अवलोकन हमने पिछले बार किया था। उसके साथ साथ हमने जो सारांश है उसके रूप में भी अवलोकन किया था कि पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से जो है वो 7 प्रश्न पूछे थे और फिर श्लोक संख्या 3 और 4 में भगवान 6 प्रश्नों के उत्तर देते हैं और 5 से 8वें श्लोक में भगवान 7वें प्रश्न का उत्तर देते हैं। और जो 7वें प्रश्न का उत्तर इस गीता के आखिरी अध्याय आखिरी श्लोक तक चलता है, जिसमें 9 से 13 में भगवान कृष्ण योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण का स्मरण करना उसकी विधि बताते हैं। 14 से 16 में वो शुद्ध भक्ति द्वारा कृष्ण का स्मरण उसकी विधि बताते हैं। 17 से 22 में भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत इनकी तुलना प्रस्तुत करते हैं। और 23वें श्लोक से लेकर के 28वें तक देह त्यागने के विभिन्न काल और भगवान अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से ये 28 श्लोक है। हमने देखा था जब 7वां अध्याय पूर्ण होता है, 7वें अध्याय के शुरुआत में ही भगवान कहे थे, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम् समग्रम् यथा ज्ञास्यति तत् शृणु। समग्र रूप में मुझे किस प्रकार से आप देख सकते हो, समझ सकते हो, उसके बारे में मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे सुनो। भगवान ने वो सब बताया और उसके पश्चात जो आखिरी 2 श्लोक भगवान कहे थे, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रिते तन्तिये ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम साधिभूतादि दैवम माम साधियज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसः। अंतिम समय में भी कोई मुझे जान सकता है। और तो 7वें अध्याय के अंत में अपना समग्र रूप का वर्णन करते हुए भगवान ने ये अलग अलग टर्म्स, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया था, ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ।
और समग्र रूप में जानने वाले योगियों को अंतकाल में भी अपनी प्राप्ति बताई थी। तो इन शब्दों को सुनकर इनको और स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन 8वें अध्याय के आरंभ में ही 7 प्रश्न पूछ लेते हैं। तो ये हमने संबंध देखा था 7वें और 8वें अध्याय में। तो जो अर्जुन के प्रश्न है, हमने इस प्रकार से 8वें अध्याय के 2 श्लोक हमने पिछले सत्र में लिए थे। तो पहला श्लोक हमने लिया था, किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। तो अर्जुन का प्रश्न था, हे पुरुषोत्तम, किम तद्ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदैव किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछे थे। तो हम ये भी देखे थे कि गीता में अर्जुन के द्वारा भगवान कृष्ण का जो संबोधन किया जाता है, जैसे इस श्लोक में पुरुषोत्तम कह के पुकार रहे हैं, और भगवान भी अर्जुन को जो अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, उनके पीछे भी गहरा मतितार्थ होता है जो आचार्य हम समझाते हैं। तो पुरुषोत्तम शब्द क्यों प्रयोग किया है अर्जुन ने भगवान कृष्ण के लिए इस श्लोक में? तो अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं, अपितु परम पुरुष से, उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। तो भगवान सारे पुरुषों में उत्तम है, इसलिए उत्तम पुरुष उन्हें कहा गया है। जैसे कल से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है, इस मास का और एक नाम है पुरुषोत्तम मास, क्योंकि सारे मासों, जो सारे 12 मास है, उनके अधिष्ठात्रा देव भी है। तो ये अधिक मास, इसको सब लोग जब है ये समझ रहे थे, तो भगवान ने इसे स्वीकार किया और भगवान ने अपना नाम इसे जोड़ दिया, इसलिए उसका नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। तो ये भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम, जो सारे पुरुषों में श्रेष्ठ है। तो आप सब जानते हैं, इसलिए मेरे प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं, इसलिए पुरुषोत्तम कह के अर्जुन पुकारे भगवान को। और अर्जुन का प्रश्न कंटिन्यू होता है दूसरे श्लोक में भी, अधि अज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम नेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, कह अधि अज्ञः, अधि अज्ञः क्या है, कथम अत्र अस्मिन् देहे अस्ति, ये इस देह में किस प्रकार से निवास करता है, और प्रयाण काले कथम च त्वं नियतम आत्मभिः नेयः असि। नियतात्मभिः मतलब जितने अपने चित्त के ऊपर, मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, वह व्यक्ति प्रयाण काल अपने देह त्याग करने के समय कैसे आपको जान सकता है। तो कुल मिला के 7 प्रश्न अर्जुन ने ये 2 श्लोकों में जो है वो पूछे। तो आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, पहले श्लोक में अर्जुन ने भगवान को पुरुषोत्तम कहा, दूसरे श्लोक में अर्जुन भगवान को मधुसूदन कहते हैं। तो क्यों ऐसा कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया? क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था, मधु और कैटभ इनका वध किया था। तो वस्तु ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में है, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित भक्त था, ऐसा कोई बोल सकता है। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के समान है, क्योंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्ध हस्त थे। अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे। तो जिस प्रकार से भगवान ने मधु नाम के असुर का वध किया था, उसी प्रकार से अर्जुन मानो संबोधित कर रहे हैं कि ये असुर रूपी प्रश्न मेरे मन में उपस्थित हो रहे हैं, आप इनका भी छेदन कीजिए, इसलिए मधुसूदन। और हमने ये भी देखा था कि प्रयाण काले, तो अर्जुन जानने के लिए उत्सुक है कि जीवन काल में सतत आध्यात्मिक साधना के अभ्यास के फलस्वरूप प्राप्त पूर्ण आत्मसंयम के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं, अर्थात आपके किस रूप को जानते हैं और किस प्रकार से जो है वो ये लोग जानते हैं, ये अर्जुन के मन में जो है वो प्रश्न है। तो इस प्रकार से हमने पहले 2 श्लोकों में देखा था पिछले सत्र में कि ये 7 प्रश्न अर्जुन ने भगवान से पूछे थे। अभी भगवान क्रम पूर्वक, जिस क्रम में अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं, उसी क्रम में भगवान अभी उत्तर देंगे। तो पहले 3 प्रश्नों के उत्तर भगवान तीसरे श्लोक में देते हैं। श्लोक इस प्रकार से है, श्री भगवान उवाच, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञितः।
दिव्य कृष्ण का प्रणाम वर्णन ये किया है मैंने सर्व आपको। प्रणाम। तो यहाँ पर पद विभाग और संधि हम सर्वप्रथम देखेंगे। आप सभी मेरे पीछे दो दो बार दोहराएंगे। जो अधोरेखांकित शब्द है वो संधियुक्त शब्द है इस श्लोक का। अक्षरम 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 ब्रह्म अक्षरम ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मा परमम 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 स्वभावः 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 अध्यात्मम 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 उच्यते 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 भूतभावोद्भवकरः उच्यते भूतभावोद्भवकरः 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 विसर्गः 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 कर्मसंज्ञितः कर्मसंज्ञितः कर्मसंज्ञितः। कर्म संहिता यहाँ पर संधि है स्वभाव, यहाँ पर विसर्ग की संधि हो जाती है, वो में परिवर्तन हो जाता है और अवग्रह आ जाता है पाणिनीय के एंग पदांत प्रतिनियम के अनुसार। स्वभाव अध्यात्म उच्चते संधि युक्त शब्द बनता है स्वभावोध्यात्म उच्चते। स्वभावोध्यात्म उच्यते तो संपूर्ण श्लोक यहाँ पर भी एक्चुअली वास्तव में संधि है लेकिन वो बताई नहीं जाती क्योंकि एक शब्द बन गया है भूत भाव उद्भव करह। तो वो बिल्कुल शब्द जो है वो एक शब्द माना जाता है। संपूर्ण श्लोक का उच्चारण करेंगे एक एक पाद के साथ। अक्षरम ब्रह्म परमम अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भवकरो स्वभावोध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः। विसर्गः कर्म संहिता। थैंक यू धन्यवाद। प्रभु जी। हरे उत्तम कृष्णा दंडवत प्रणाम। विश्वजीत प्रभु मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। अक्षरम ब्रह्म परमम अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म स्वभावोध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भवकरो उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञितः। विसर्ग कर्म संहिता। उत्तम धन्यवाद। मीना माता जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। अक्षरम ब्रह्म परमम अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोद्यात्म उच्यते भूतभावोद्भवत् करो विसर्गः कर्म संगितः। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। उत्तम नारायण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोद्यात्म उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक आखिरी लेते हैं। अंकिता माता जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। अक्षरम ब्रह्म परमम अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भवकरो स्वभावोध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञितः। विसर्गः कर्म संगितः। उत्तम धन्यवाद। और एक हाथ है आखिरी लेते हैं। जियोमी शायद फोन का नाम है। मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप ओके। तो श्लोक का अन्वय देखते हैं। श्लोक छोटा है आसान है लेकिन समझने के लिए टेक्निकल है थोड़ा सा। तो देखते हैं इस श्लोक का अन्वय क्या है। तो
तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच करता है, श्री भगवान ने कहा, तो क्या कहते हैं भगवान? परमम अक्षरम ब्रह्म। तो अर्जुन का प्रश्न क्या था? किम तद् ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, पहला श्लोक। देखिए तो क्रम पूर्वक भगवान उत्तर देंगे। किम तद् ब्रह्म, परमम अक्षरम ब्रह्म, किम अध्यात्मम, स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, किम कर्म भूत भावोद्भवकरः विसर्ग कर्म संबंधितः। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है परमम अक्षरम, वो ब्रह्म है। अध्यात्म क्या है? स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव का अध्यात्म कहा जाता है। और कर्म क्या है? भूत भावोद्भवकरः विसर्ग कर्म संबंधितः। इसे कर्म कहते हैं। आ गया समझ में? हो गया श्लोक समाप्त, भगवान ने उत्तर दे दिया। देखते श्री प्रभुपाद जी अनुवादित क्या करते हैं और फिर एक एक शब्द की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी का अनुवाद इस प्रकार से, भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो सर्वप्रथम शब्द है इस श्लोक का ब्रह्म की परिभाषा, परमम अक्षरम ब्रह्म। किम तद् ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? भगवान बताते हैं ब्रह्म है परम और अक्षर। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें परम की अभिलाषा थी, परमम का अर्थ क्या होता है? जो सर्वश्रेष्ठ है, जैसे हम लोग अंग्रेजी में देखते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट। तो यहाँ पर तरतम न्याय इसका प्रयोग किया जाता है, पॉजिटिव कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जैसे हम लोग करते हैं, तो गुड बेटर बेस्ट उसी प्रकार से परम का अर्थ होता है सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तो श्रेष्ठतम को परम कहा जाता है, परमम, तो जो सर्वश्रेष्ठ है। और अक्षरम, अक्षरम क्षर का अर्थ होता है हानि होना, क्षय होना, विनाश होना। तो अक्षरम जिसका क्षर नहीं होता, जिसकी हानि कभी नहीं होती, तो ये है अक्षरम। तो इसे ब्रह्म कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो सर्वश्रेष्ठ है और जिसका क्षय नहीं होता? तो ये आत्मा का भी लक्षण बताया जाता है। आत्मा भी जो है वो भौतिक तत्वों से परे है, इसलिए परम बोल सकते हैं। और इसका भी क्षय नहीं होता, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं आत्मा के लक्षणों में, तो आत्मा को भी ब्रह्म कहा जा सकता है इस दृष्टिकोण से, और कहते भी है। लेकिन अर्जुन का जो प्रश्न है यहाँ पर क्या है, एक्चुअली हमारे आचार्य भी अलग अलग प्रकार से परिभाषाएं करते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि यहाँ पर आत्मा को ही ब्रह्म कहा गया है। और जैसे लोग बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, आत्मा ब्रह्म है। लेकिन आपको याद होगा हमने जब सातवें अध्याय के ऊपर चर्चा की थी और अर्जुन का जो प्रश्न था, किम तद् ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, तो उस समय हमने ये दो ब्रह्मों की चर्चा की थी, अहम ब्रह्म और तद् ब्रह्म। तो तद् ब्रह्म जो है वो परमेश्वर की तरह इंगित है, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में बताते हैं और श्रीधर स्वामी भी इसी इसी मुद्दे को बताते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्म जो है वो परमेश्वर की तरफ इंगित करके कहा गया है कि उन्हें ब्रह्म कहते हैं। और इसके लिए प्रमाण भी दिए जा सकते हैं कि जैसे श्रीमद् भागवत में बताया जाता है ना, उस परम सत्य को लोग तीन नामों से जानते हैं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उन्हें ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इन तीन नामों से जो है जाना जा सकता है, परम सत्य को। एब्सोल्यूट ट्रुथ कैन बी नोन इन थ्री वेज, बाय थ्री नेम्स। क्या है वो नाम? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो वही ब्रह्म यहाँ पर जो है वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल ब्रह्म का उपयोग नहीं किया है शब्द का, यहाँ पर परमम और अक्षरम ये दो विशेषण भी उसे लगाए गए हैं। इसलिए
यदि हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद को भी यदि देखें, एतत् वै तत् अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति। ब्राह्मणा जो ब्रह्म को जानते हैं, अभिवदन्ति वे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तद उसे अक्षरम, उस ब्रह्म को ये लोग अक्षर कहते हैं जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो इसलिए ब्रह्म जो है वो परमेश्वर की तरफ ही इंगित होता है। यद्यपि गीता में हम लोग देखते हैं तो ब्रह्म शब्द कई बार आता है, लेकिन उसके अर्थ भी अलग अलग कंटेक्स्ट में लिए जाते हैं। तो प्रणव को भी ब्रह्म कहा गया है, वेदों को भी ब्रह्म कहा गया है, और जो ब्रह्म शब्द है वो प्रकृति आदि का वाचक भी आया है गीता में अलग अलग जगह पर। तथापि यहाँ जो ब्रह्म शब्द के साथ जो परम और अक्षर, ये जो दो विशेषण देने से यह शब्द सर्वोपरि सच्चिदानंद घन अविनाशी परमेश्वर का वाचक है, ये समझ लेना चाहिए। ये जो है ये इसका अर्थ होता है। तो केवल यदि भगवान कह रहे परमम अक्षरम ब्रह्म, तो परमम अक्षरम ब्रह्म मतलब एक जिसका कोई क्षय नहीं होता और जो सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ हम लोग गीता में भी देखे थे, भगवान सातवें अध्याय के सातवें श्लोक में कहते थे, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। तो उनसे श्रेष्ठ और कोई है नहीं, न त्वत् समोस्त्य भेदिकः कुतोन्यो। अर्जुन 11वें अध्याय में गीता के कहते हैं, आपके समान भी कोई नहीं हो सकता, तो आपसे ऊपर तो भूल जाओ। न त्वत् समः अभी अधिको कुतोन्य, अधिक कहाँ से हो सकता है, आपके समान भी कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सच्चिदानंद घन अविनाशी परमेश्वर को ही यहाँ पर जो है वो ब्रह्म शब्द से बोला गया है। तो यह है ब्रह्म शब्द की परिभाषा। तो अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था, किम तद् ब्रह्म, तो भगवान का उत्तर है परमम अक्षरम ब्रह्म। दूसरा अर्जुन का प्रश्न था किम अध्यात्मम, अध्यात्म किसे कहते हैं? तो जीव का जो स्वभाव है, अपना स्वरूप है, उसे ही अध्यात्म कहा जाता है। जैसे ये अध्यात्म शब्द भी अलग अलग प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। जैसे गीता में भी भगवान एक जगह 10वें अध्याय में कहते हैं, 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में, हाँ, सर्गाणामादिरंतं च मध्यं चैवाह अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। अध्यात्म विद्या विद्यानां, सारे विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ। तो अध्यात्म विद्या जो आत्मा के संबंधी विद्या बताई जाती है उसे भी अध्यात्म कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर स्वभाव शब्द का प्रयोग किया गया है, तो जो आत्मा है उसका अपना स्वरूप, उसका जो निजी, उसका मूल स्वभाव है, उसे ही अध्यात्म कहा गया है। जैसे हम लोग अध्यात्म शब्दों का प्रयोग बहुत बार ऐसे ही कर लेते हैं, यह व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक है। तो यह व्यक्ति आध्यात्मिक है, इसका अर्थ क्या है? वह व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप के अनुसार कार्य करने का प्रयास कर रहा है, उसे आध्यात्मिक कहते हैं। तो केवल कोई कपड़े बदली कर लेने से, या अपनी भाषा बदलने से, अपना हेयर स्टाइल बदलने से कोई आध्यात्मिक नहीं बन सकता। किसे आध्यात्मिक कहना चाहिए? जो वास्तव में अपने स्वरूप के अनुसार, अपना जो नित्य स्वरूप है, अपना जो स्वाभाविक स्वभाव है आत्मा का, उसके अनुसार जो कार्य करता है उसे आध्यात्मिक कहा जा सकता है। यहाँ पर सीधा भगवान डेफिनेशन देते हैं। हमने बचपन में, हम लोग स्कूल में भी इस प्रकार से डेफिनेशन देखते हैं ना, देखते हैं कि डिफाइन दिस, तो दिस इज कॉल्ड एज दिस। तो यहाँ पर उच्चते, अर्जुन का वही प्रश्न था कि अध्यात्म, अध्यात्म क्या है, किसे कहते हैं? भगवान ने सीधा स्वभाव अध्यात्म उच्चते, स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। किसके स्वभाव को? तो ये हमें समझ लेना चाहिए, जीव का स्वभाव जो है वो अध्यात्म कहा जाता है। और जीव का स्वभाव क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, इसको उत्तर हमें गीता देती है। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक प्रसिद्ध, ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति मम एव अंश। भगवान कहते हैं कि जीव जो है मेरा अंश है,
जीवलोक है, इस जीवलोक में वह आया हुआ है और जीव भूत बना हुआ है, लेकिन ये मेरा सनातन अंश है। तो भगवान यहाँ पर आत्मा को अपने अंश के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, यह उसका स्वरूप है। और जैसे हम लोग देखते हैं, एक मैं छोटी सी परीक्षा लेना चाहूंगा, मैं सब भक्तों के हाथ नीचे कर देता हूँ और अभी जो उत्तर देंगे वो लोग हाथ ऊपर कर सकते हैं। छोटा सा क्विज है आपको, मैं कुछ चित्र दिखाने जा रहा हूँ और इन चित्रों में उस वस्तु का स्वभाव आपको बताना है। स्वभाव क्या है उस वस्तु का? तो सर्वप्रथम है जल, कौन बताएगा मुझे जल का स्वभाव क्या है? विनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया। प्रभु जी शीतलता, हरे कृष्ण, शीतलता या तरलता उसे कह सकते हैं, तरलता, तरल होता है, जल बहता है ना, तो तरलता उसका स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव क्या है? दिशा माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, मनवानी। प्रभु जी तेज, अग्नि का स्वभाव है तेज, बिल्कुल सही, जलाना, ये अग्नि का स्वभाव है। अगला है शक्कर का स्वभाव, मीना माता जी आप बताइए शक्कर का स्वभाव क्या है? मीठा हूँ। मीठापन, ये शक्कर का हाँ स्वभाव है जी, या मूल रूप है। जी उत्तम। नर नारायण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मिर्च का स्वभाव क्या होता है? तीखापन, तीखापन। यस यस, दिव्य कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू ऑल। तो ये था इन वस्तुओं का स्वभाव। तो जल का स्वभाव है तरलता, अग्नि का स्वभाव है तेज या दाह, चीनी का स्वभाव होता है मीठापन, और मिर्च चिली उसका स्वभाव होता है तीखापन। तो ये इन वस्तुओं का स्वभाव है। तो उसी प्रकार से जो आत्मा है उसका स्वभाव, उसका स्वरूप क्या है, उसे अध्यात्म कहते हैं। तो उसका स्वरूप है, ये भगवान का अंश है बरोबर। और अंश का कार्य क्या होता है? यदि हम लोग कार्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यदि अग्नि है, अग्नि का कार्य होगा अग्नि जलाएगा किसी वस्तु को। तो यदि कार्य के दृष्टिकोण से जब हम आत्मा की ओर आते हैं, तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का अस्तित्व है ये पहले ही प्रूव कर दिया है दूसरे अध्याय में, बाय द वे। तो यहाँ पर वो प्रश्न नहीं उपस्थित होगा। तो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा के स्वभाव की यहाँ पर बात हो रही है। तो जो आत्मा है वो आत्मा का स्वरूप है, वो भगवान का अंश है। और अंश यदि हम लोग कार्य क्या करता है, तो अंश जो है वो पूर्ण की सेवा करता है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है इस अंश के बारे में, और इसका कार्य क्या है, इसका स्वरूप क्या है। तो वास्तव में ये चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी इनको शिक्षा देते हैं, उसमें ये श्लोक आता है, जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीवेर स्वरूप, यहाँ पर देखिए स्वभाव, स्वभाव की बात कर रहे हैं तो हम लोग स्वरूप की बात कर रहे हैं, आत्मा का स्वरूप क्या है। तो जीवेर स्वरूप हय क्या है? जीव का स्वरूप है क्या है? कृष्णेर नित्य दास, ये भगवान श्री कृष्ण का ये दास है। और कैसा दास? नित्य दास, शाश्वत काल में ये दास है भगवान का, ये कभी बॉस नहीं बन सकता, ये सदैव भगवान का दास ही रहेगा। और कृष्णेर तटस्था शक्ति, ये भी उनका स्वरूप है, ये भगवान की तटस्था शक्ति है। और भेद अभेद प्रकाश, ये भगवान से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। तो कैसे भगवान से भिन्न है, उदाहरण से समझाते हैं श्रील प्रभुपाद जी हमेशा, जैसे समंदर है और समंदर का बूंद है, तो बड़ा समंदर होता है उसका गुण होता है खारा, और ये जो बूंद है समंदर की वो भी खारा रहेगा, तो उस प्रकार से नमकीन रहेगा। तो गुण के दृष्टिकोण से दोनों एक है, दोनों नमकीन है, लेकिन मात्रा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बूंद बूंद है, समुद्र विशाल समुद्र है। उसी प्रकार से आत्मा और भगवान परमेश्वर, ये दोनों, उसमें भी भेद और अभेद है। भेद कैसे है? मात्रात्मक दृष्टिकोण से भेद है, आत्मा अणु है, परमेश्वर विभू है।
और गुणात्मक दृष्टिकोण से दोनों एक ही है। ये भी अक्षर है, आत्मा भी अक्षर है, भगवान भी अक्षर है, और गुणात्मक दृष्टिकोण से दोनों सच्चिदानंद है। तो ये भेद और अभेद किस प्रकार से समझ सकते हैं। और ये कृष्ण की तटस्था शक्ति है, ये भी इसका स्वरूप है, उसे अध्यात्म कहते हैं। तो तटस्था शक्ति क्या होती है? तटस्था ये शब्द ही हमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। तटस्था, तट पर स्थित, इसलिए तटस्था। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि तटस्थ, दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो रहा है, मैं तटस्थ हूं। तटस्थ मतलब मैं दोनों को दूर से देख रहा हूं, मैं उसमें सम्मिलित नहीं हूं। तो तटस्था शक्ति क्या है? ये उदाहरण से श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं। तटस्था तो ये समंदर है, उसको मानो समझ, भगवान की तीन शक्तियां होती है वास्तव में। ये समंदर को आप समझ लीजिए, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और जो पूरा ड्राई जमीन है उसे बहिरंगा शक्ति समझ लीजिए। तो जो व्यक्ति इसे, समंदर को तट ही कहते हैं ना, सी शोर, उसे तट ही कहते हैं हिंदी में, सी शोर को। तो जो तट है, जो समंदर की जो लहरें आती है वो कभी कभी उस तट को गीला कर देती है, और जब लहरें पुनः अंदर चल जाती है तो तट सूखा हो जाता है। तो तट कभी सूखा होता है, कभी गीला होता है। उसी प्रकार से ये जीव है, ये आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है, ये भगवान की शक्ति है, लेकिन ये तटस्थता है। इसका अर्थ क्या है कि वो अंतरंगा शक्ति की ओर भी कभी झुका उसका होता है, और कभी बहिरंगा शक्ति की ओर भी झुका होता है। तो बहिरंगा शक्ति जो है वो भौतिक प्रकृति, और अंतरंगा शक्ति जो है वो भगवान की आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति, तो कभी उसकी ओर झुका होता है। तो दोनों तरफ जा सकता है, इसलिए उसे तटस्था कहा गया है। तो ये उसका स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप। और आत्मा का स्वरूप समझना, आत्मा का जो स्वरूप है, जो उसका स्वभाव है, उसी को अध्यात्म कहा जाता है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते। और आगे भगवान कर्म की परिभाषा देते हैं, क्योंकि अर्जुन का तीसरा प्रश्न था, किम कर्म, कर्म क्या है? तो भगवान बताते हैं, भूत भावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संहितः। ठीक है, कर्म की बड़ी बड़ी रोचक परिभाषा भगवान यहाँ पर देते हैं। हम लोग साधारणतया कर्म का अर्थ क्या जानते हैं? कुछ क्रिया को करना, उसे कर्म कहते हैं हम लोग। लेकिन देखिए भगवान ने क्या उसका बढ़िया जवाब दिया है कि कर्म की परिभाषा क्या है, और जब हम इसे समझ जाते हैं तब हम वास्तव में कर्म क्या है उसे समझ सकते हैं। कर्म की थोड़ी सी परिभाषा वास्तव में कर्मयोग के समय देते हुए भगवान ने बता दी थी, विस्तार से नहीं, थोड़ी थोड़ी बताई थी। कर्मयोग करते समय तीसरा अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग, उसमें भी कर्म, और चौथे अध्याय में भी जिसका ज्ञान कर्म संन्यास योग उसका शीर्षक है, उसमें भी थोड़ी थोड़ी कर्म कर्म के बारे में जानो, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा था। बोद्धव्यम कर्मणो यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है, इसलिए आप कर्म विकर्म अकर्म इन सबको जानो। तो उस समय भी अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित होता है, ये सब क्या है? तो उसमें थोड़ा थोड़ा भगवान ने एक्सप्लेनेशन दिया था। लेकिन यदि आपको कोई कहे कि व्हाट इज डिफरेंस, उस समय अर्जुन को वो वहां पर स्पष्ट हो गई थी, लेकिन यहाँ पर जो सात अलग अलग टर्म्स, सात अलग अलग संज्ञाएं जब भगवान ने प्रयोग की, शब्दों का प्रयोग किया, उसमें कर्म भी था। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रिते यतन्ते ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नं अध्यात्मं कर्म चाखिलं अखिलं कर्म, उसका भगवान ने शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए अर्जुन ने उन सारे प्रश्नों को एक साथ पूछ लिया, उसमें कर्म भी है। तो कर्म की परिभाषा क्या भगवान देते हैं? भूत भाव उद्भव करह। तो यहाँ पर भाव का अर्थ होता है अध्यात्म, इसका अर्थ होता है कि उन्नत चेतना, और उद्भव करह का अर्थ होता है सृजन करना, उद्भव करह सृजन करना, और भूत का अर्थ होता है भौतिक तत्व। आगे जब हम अधिभूत की चर्चा करेंगे ना,
अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते। ये अर्जुन का पांचवा और छठा प्रश्न है, जो जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में देने वाले आते हैं। लेकिन भूत शब्द आप समझ लीजिए कि जो भौतिक चेतना या भौतिक तत्व है उसे भूत कहा जाता है। ये जीवात्माओं को भी कई जगह भगवान श्री कृष्ण भूतानाम अस्मि चेतना तो भूत करके प्रयोग किया गया है। तो वास्तव में भौतिक तत्व जो है वो उन्हें भूत कहा गया है। तो भूत भाव उद्भव करह विसर्गह कर्म संबंधितः, कर्म संबंधितः उसे कर्म के रूप में जानो, ये कर्म की संज्ञा है। सबने डेफिनेशन भगवान कृष्ण गीता में अलग अलग डेफिनेशन दिए हुए हैं। जैसे योग की परिभाषा, योग की डेफिनेशन क्या है? समत्वम योग मुच्यते, दूसरे अध्याय का 48वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि समत्व इक्वानिमिटी इज कॉल्ड एज योग। और छठे अध्याय के 23वें श्लोक में योग की अलग परिभाषा देते हैं भगवान श्री कृष्ण। दुख से वियोग होना ही योग है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग संज्ञाएं, अलग अलग डेफिनेशंस गीता में हमें अलग अलग जगह पर मिलती है। तो भूत भाव उद्भव करह विसर्गह कर्म संबंधितः, कर्म उस सृजनात्मक शक्ति को सूचित करता है जो भौतिक चेतना के कारण भौतिक तत्वों से बने हुए अनेक शरीरों को उत्पन्न कराता है। तो वास्तव में जीवात्मा है और उसका स्वभाव मतलब अध्यात्म हो गया। तो जीवात्मा अलग अलग भौतिक इच्छाएं करता है और भौतिक तत्वों के संपर्क में आता है। तो भौतिक इच्छाओं के कारण या भौतिक चेतना के कारण जो भौतिक तत्वों से बने हुए जो शरीर धारण करने की उसकी प्रक्रिया है उसे कर्म कहते हैं। इसका अर्थ है कि रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ट्रांसमाइग्रेशन, एक देह से दूसरे देह में जाना। तो भौतिक अभिलाषा है और भौतिक अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए एक प्रक्रिया है, वो हम करते हैं, जिससे हमारा अगला शरीर का सृजन होता है उसे कर्म कहते हैं। आया समझ में? मैं पुनः एक बार दोहराता हूं कि आत्मा इस भौतिक संसार में जब आया हुआ है, 15वें अध्याय के 7वें श्लोक की, और यदि हम लोग वापस जाएं कि ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानि देणि प्रकृति स्थानि कर्षति। प्रकृति से मतलब इस प्रकृति में वो आया हुआ है और कर्षति, वो यहाँ पर उसे आकर्षित किया गया है और यहाँ पर कष्ट उपभोग रहा है। तो वास्तव में भगवान का अंश है, लेकिन जब भौतिकता से वो आवृत्त हो जाता है तो उसकी चेतना भौतिक हो जाती है। इसलिए भौतिक तत्वों से बने हुए शरीर उसे जो मिलते हैं तो वो जो सृजन करने की जो शक्ति है, एक शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न करा के देना प्रकृति के माध्यम से, तो ऐसी ये जो गतिविधियां उस व्यक्ति की है जिसके कारण उसे नया शरीर मिलता है उसे जो है वो कर्म कहते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को आप कहेंगे कि वह ऐसे कुछ क्रियाएं कर रहा है जिससे वह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, उसे अगला भौतिक शरीर नहीं मिलेगा, तो जब वो मुक्त हो रहा है तो वो मुक्त होने के लिए जो क्रियाओं को करेगा उसे उस प्रकार का कर्म कहा जाएगा। तो इसलिए कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो वो भक्ति कर्म हो जाएगा जिसके माध्यम से उसे नया शरीर मिलेगा, वो नया शरीर केवल आध्यात्मिक होगा। तो ये हो गया कर्म की परिभाषा। तो कर्म का अर्थ समझ में आ गया होगा अभी आपको कि ऐसी सृजनात्मक शक्ति जो भौतिक तत्वों से बने हुए अलग अलग शरीरों को उत्पन्न करती है वो है कर्म। और इसलिए बद्ध जीव तो इस प्रकार से बोलते ना कर्म के चक्र में जो है वो फंसा रहता है। तो इस प्रकार से हमने अर्जुन के जो प्रश्न थे, 7 प्रश्न पूछे थे, उसमें से 3 प्रश्नों के उत्तर जो भगवान दिए हैं। आशा करते हैं आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा कि भगवान क्या कह रहे हैं। तो ये 3 जो प्रश्न थे अर्जुन के, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म उच्यते, तो भगवान ने उसका कुछ उत्तर दिए कि परमम अक्षरम ब्रह्म। ब्रह्म किसे कहते हैं?
कि जो परम अक्षर है, सर्वश्रेष्ठ है सर्वप्रथम तो, और दूसरा अक्षर तत्व है जिसका कभी क्षर नहीं होता, और हमने छांदोग्य उपनिषद का भी रेफरेंस देखा इसमें, तो ये परमेश्वर की ओर इंगित किया गया है, तो उन परमेश्वर को ब्रह्म कहते हैं। स्वभाव अध्यात्म उच्चते, जो जीवात्मा है उसके स्वभाव को, उसके मूल स्वरूप को अध्यात्म कहते हैं। हमने देखा अलग अलग वस्तुएं और उनका स्वभाव होता है, चीनी का स्वभाव होता है मीठापन, मिर्च का स्वभाव होता है तीखापन, अग्नि का स्वभाव होता है दाह या तेज, और जल का स्वभाव होता है तरलता। उसी प्रकार से आत्मा का स्वभाव होता है, वो आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा, क्योंकि वो भगवान का अंश है। मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। और हमने देखा कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तो भगवान का दासत्व रखना वो है उसका स्वभाव, और उस स्वभाव के आधार पे कोई व्यक्ति क्रियाओं को कर रहा है तो वो क्रियाएं आध्यात्मिक क्रियाएं कही जा सकती है, क्योंकि अध्यात्म ही डेफिनेशन ही है, स्वभाव अध्यात्म उच्चते, जो आत्मा का स्वभाव है उसे अध्यात्म कहा जाता है। और भूत भावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संहितः। तो कर्म किसे कहते हैं? कर्म की परिभाषा हमने देखी कि कर्म उस सृजनात्मक शक्ति को सूचित करता है जो भौतिक चेतना के कारण भौतिक तत्वों से बने हुए अनेक शरीरों को उत्पन्न कराता है। तो इसे एक भौतिक शरीर से दूसरे भौतिक शरीर में जाने की प्रक्रिया और जिस शक्ति के माध्यम से वह संचारित हो रही है उसे जो है वो कर्म कहा जाता जाता है। तो इस प्रकार से अर्जुन के तीन प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने इस तीसरे श्लोक में दिया, और चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के अन्य और तीन प्रश्नों के उत्तर देंगे। और आपको यदि उन तीन प्रश्नों के उत्तरों को सुनना है तो वापस आना होगा आपको अगले सोमवार के दिन ठीक 7:45। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।